नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के पार्किंग सेंसर्स के बारे में। काफ़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो रही है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे, काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट करके बोला है कि भाई टाटा टियागो के पार्किंग सेंसर्स कैसे हैं और रियल लाइफ में उनका कितना यूज़ है, कितना यूज़ नहीं है, उन सारी चीज़ों को बताओ वीडियो में और प्रॉपरली उसे डिस्क्राइब करो। सो इस वाली वीडियो में करने वाला हूँ टाटा टियागो का पार्किंग सेंसर टेस्ट। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी के बारे में बता दूं। मेरे पास है ये टाटा टियागो XZ मॉडल। यहाँ पर पीछे बैजिंग आपको देखने को मिल रही होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 2019 का वेरिएंट है। और इस वाले वेरिएंट में जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो एक नॉन टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जो कि आपको पार्क असिस्ट का ऑप्शन दे देता है। सो पार्क असिस्ट के लिए इसमें चार पीछे की तरफ सेंसर लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 पीछे की तरफ हैं। इसकी एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊं, नॉर्मल कार्स में क्या होता है कि गाड़ी जो है पीछे से ऑब्स्टेकल की केवल डिस्टेंस शो करती है, वो भी नंबर्स में, मीटर में, लेकिन ये वाली गाड़ी ऑब्स्टेकल की डायरेक्शन भी शो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पास में यदि कोई ऑब्स्टेकल है, फॉर एग्जांपल हम स्वीटी को रखते हैं, स्वीटी आ गया यहीं पर रहना। अब देखिए यहाँ पर इस वाली पोजिशन पर स्वीटी है और वहाँ पर ये स्वीटी की जो डायरेक्शन है वो गाड़ी के पीछे शो कर रही है। ठीक है, तो स्वीटी अभी उठ के चली गई, ये देखिए स्वीटी पीछे आ गई है। अब आप जिस भी सेंसर के सामने जाएंगे उस वाले सेंसर के सामने गाड़ी आपको बता देगी कि ऑब्स्टेकल किस डायरेक्शन में है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाटा टियागो के पार्किंग सेंसर्स के बारे में कि इनकी रेंज कितनी क्या है। मैं उसमें आपको एक एक बार जो गाड़ी बताती है उसको एक एक बड़ा बड़ा के बताऊंगा कि यहाँ पर जो कितनी देर में गाड़ी है स्टॉप का साइन देती है। सो फिलहाल यहाँ पर ऑब्स्टेकल और गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है ये लगभग आप अंदाजन 1 से 1.5 मीटर की रेंज मान सकते हैं। और 1 से 1.5 मीटर में अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो गाड़ी जो है कि 2 बार कभी कभी वो भी इसके मन मुताबिक शो कर रही है। सो धीरे धीरे गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेते हैं। पहले तो यहाँ पर पार्किंग ब्रेक की जो साइन आ रही उसे हटा दिया। ठीक है, सो हमने अभी गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लिया, यहाँ पर 3 बार गाड़ी अभी शो कर रही है ऑब्स्टेकल की। और 3 बार में जो डिस्टेंस है वो कितनी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो यहीं से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इतनी दूर में ऑब्स्टेकल है, ये सेंसर है, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप डिस्टेंस नापेंगे तो जो पीछे की तरफ जो डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल के बीच में वो थोड़ी सी कम हो गई है, लगभग 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा और 1.5 मीटर से थोड़ी सी कम है। और अब थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेते हैं गाड़ी को, 3 की जगह यहाँ पर 4 बार करते हैं, 5 आ गए, 4 और 5, कभी कभी 4 या 5 बार यहाँ पर जैसे शो कर रहा है। सो गाड़ी 4-5 बार में अभी कितनी बताती है उसकी अगर मैं आपको बात करूँ तो अब 1 मीटर से घट करके कम हो गई है थोड़ी सी डिस्टेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और गाड़ी को पीछे लेते हैं और देखते हैं गाड़ी जब स्टॉप बता देती है तब पीछे कितनी जगह बचती है। थोड़ा सा और पीछे लेना, बस। सो यहाँ पर गाड़ी ने जस्ट अभी स्टॉप का साइन दे दिया है और जो बीप आप सुन पा रहे हैं ये कंटिन्यूस एकदम बजती ही जा रही है। और इसका मतलब कि गाड़ी आपको स्टॉप करने को बोल रही है। और पीछे अगर मैं आपको जगह बताऊं यहाँ से एक बंदा भी नहीं गुजर सकता। सो ये कुछ इसकी रेंज थी और सेफली जब टच हुए बिना आपको बता देगी गाड़ी की भाई अब रोक दो, अब इससे पीछे जाना आपकी गाड़ी को डैमेज कर सकता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये केवल इसकी रेंज में मैक्सिमम इस वाली रेंज तक की सीध में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं को सेंस करेगा। और यहाँ से आपको करीब इतनी जगह में ये सेंसर वर्क करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन इसकी कमी ये है कि जब आप नीचे की तरफ यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पत्थर वगैरह है या गड्ढा वगैरह है तो ये चीज़ें पार्किंग सेंसर सेंस नहीं करते। उसके लिए आपको पार्किंग कैमरा अगर गाड़ी में है तो वो हेल्प करता है। सो ये पार्किंग सेंसर्स का एक लिमिटेशन था, हालांकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड जगह में मुझे रोज़ गाड़ी को पार्क करना रहता है। बाकी कुछ इस तरीके से थे टियागो के सेंसर्स।
उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्या वर्क करते हैं आपकी जगह के नीड के हिसाब से, कि आपको कैसे क्या पार्क करनी है। आप चाहें तो कैमरे वाली टियागो ले सकते हैं, या आप चाहें तो नॉर्मल पार्किंग सेंसर्स वाली टियागो का वेरिएंट ले सकते हैं। सो यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मैं आप लोगों के लिए कार से रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाता रहता हूँ। मिलूँगा आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।